हेलो, दिस रतन सिंह देवगम। आज एक ऐसे लेडी से मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने एग्रीकल्चर में हमारे सीकेपी के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। उनका मैं परिचय लूंगा, नाम लूंगा, उनको क्या क्या रिजल्ट आया उनकी जुबानी हम सुनेंगे। तो यस मैम, अपना परिचय बताएंगे आप। मेरा नाम मालती गागराई है जी। मैं चकटापुर एरिया के सज्जनजी गाँव की जी जी। इस बिजनेस में मैं रूबी डायरेक्टर हूँ। ओके, बहुत बढ़िया मैम। एक किसान अपने परिवार से हूँ, जिससे मैं पहले खेती भी करती हूँ। इस सीजन में जो है, अभी का जो सीजन है, इसमें सब्जियों की खेती करती हूँ, और जब धान का सीजन होता है उस समय धान का खेती करती हूँ। मैडम, आप सबसे पहले पूछना चाहेंगे, आप हमारा जो डेजोई का ये प्रोडक्ट है कब से यूज कर रहे हैं? मैडम कितने साल हो गए? ये जो प्रोडक्ट है मैं दो साल से यूज कर रहे हैं। साल में थोड़ा सा कम हुआ था, क्योंकि लगाने का हमको तरीका जी 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 नॉलेज नहीं था हमको जी। और इस बार जो है इसका नॉलेज हम पहले से लिए हुए थे। जो है नाम उनका हमको याद नहीं है। अच्छा मैडम, मैं अभी ये जानना चाहूंगा, दो साल से आप यूज कर रहे हैं, दो साल से पहले का प्रोडक्शन क्या था और इसको यूज करने के बाद क्या प्रोडक्शन था? दो साल से पहले का जो प्रोडक्शन था वो मेरा सही है, बहुत ही कम था। बहुत कम था, और जी। इसको जब यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने के बाद में पहले से दुगना बड़ा फसल हुआ है हम लोग का। दुगना फसल हुआ, मतलब अभी पहला सा, मतलब जब आपने इसको यूज नहीं किया था उसमें प्रोडक्शन आपका था, लेकिन जैसे यूज किए थोड़ा सा बढ़ा। अब दोबारा जब आपने दूसरा साल यूज किया तो प्रोडक्शन क्या हो गया? दुगना हो गया बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसमें पहला साल जो मैंने किया था उसमें जी एक एकड़ जमीन में मेरा जो है 3 क्विंटल आया था। पहला साल कितना? 3 क्विंटल आया था धान का। ओके, इस बार जो है एक एकड़ में मेरा 6 क्विंटल था। क्या बात है, एक बार जोरा ताली हो जाए, इतना शानदार रिजल्ट। जोरदार। क्या बात, पहले केवल ये, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एक्टी जी, ट्रांसपोर्ट एक्टी और ये नया डाला हुआ है जी। इसका वीडियो मेरे पास में है, और सब्जी अभी भी मैंने यहाँ पर यही करके रखा है, उसको आप लोग देख सकते हैं। ओके ओके, बिल्कुल आप लोगों को इसका रिजल्ट का वीडियो शेयर किया जाएगा जी। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी किसान भाई के पास में अगर ये प्रोडक्ट को लेकर के जाऊंगी तो ना बोल के कभी नहीं बोलेंगे। मैं आप लोग से भी आग्रह करती हूँ कि आप लोग भी ये प्रोडक्ट को यूज कीजिए, प्लस दूसरों को भी आप लोग बताइएगा, यूज कराइए। डीएपी और यूरिया अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग का जो जमीन है वो उपजाऊ मिट्टी हम लोग का खत्म होते जा रहा है। और इसको अगर यूज कर रहे हैं तो ये उपजाऊ मिट्टी को बरकरार रखता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बिल्कुल मैडम, और लास्ट चीज में ये आपसे और जानना चाह रहा हूँ मैडम, अभी आप और क्या क्या खेती में और लगाना चाह रहे हैं, या और क्या क्या लगा सब्जी में और कुछ यूज किए थे मैडम? सर अभी तो मैंने लाल भाजी लगाया, हरा अच्छा। भाजी, बीन्स लगाया है, टमाटर हाँ। लगाया है हाँ। लौकी, उसके बाद कोहरा हाँ। और जो है आपका सरसों लगाए। तो पहले जो खेती करते थे उसमें कुछ टेस्ट अंतर, अभी का में यूज करने बाद कुछ अंतर कुछ लग रहा है मैडम? कुछ अभी का जो हम लोग खा रहे हैं इसमें थोड़ा सा बाजार का सब्जी और घर का सब्जी थोड़ा सा अलग ही लगता है। अच्छा, और बीते साल मैंने टमाटर, उसके बाद भिंडी में लगाया था। अच्छा, भिंडी में ऐसा होता था कि फूल जो है झड़ जाता था जी, और फल बहुत कम हुआ था जी। जब इसको स्प्रे किए जी, मैंने इसको स्प्रे करने के बाद में जी फल इतना जोरदार हुआ था कि मेरी बेटी के पास में उसका वीडियो है, वो मैं आपको शेयर करूं। बिल्कुल शेयर कीजिए, मैं आपको नंबर दूंगा मैडम। बहुत ज्यादा होता करेला भी। चलिए, करेला का क्या रिजल्ट था मैडम? उसे बहुत ज्यादा जो मेरा फूल होता था, फल पकड़ता था ना, उसके बाद गिर जाता था जी। लेकिन इसको डालने के बाद में फल में जो हर गच्छा पड़ता था। क्या बात है, क्या बात। ये में 2-3 फूल निकलता था जी, 2-3 फूल निकलता था, उसके बाद में फल जो है सब बड़ा हो जाता था, ऐसे नहीं कि मेरा गिरता था। क्या बात है। चलिए, मालती मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट। 2 साल से पूरा ऑर्गेनिक खेती कर रही है, अपना किचन गार्डन बना के रखी है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे मालती मैडम की बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। थैंक यू। और हम लोग भी कोशिश करेंगे पूरा ऑर्गेनिक खेती करें, और आप लोगों को भी हम लोग ज़्यादा जानकारी देंगे। आप लोगों को भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग चाहिए तो मुझे बिल्कुल संपर्क कीजिएगा, हमारी टीम को संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।